आज योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल योग दिवस पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में होने वाले कार्यक्रम को लीड करेंगे। ये कार्यक्रम यूएन हेडक्वार्टर के उत्तरी लॉन में सुबह 8 से 9 बजे के बीच होगा, जिसमें 177 देशों के प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह योग दिवस पर राजधानी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोची में INS विक्रांत पर भारतीय नौसेना के कर्मियों के साथ योग करेंगे। ग्लोबल लीडर्स और ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं, लेकिन देखिए फिर भी आज का दिन बेहद खास, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज। भारत जिसने पूरे विश्व को ये पाठ पढ़ाया, इस दिशा में लेकर गए कहने के लिए। रहा है इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 9वां संस्करण ये है। 9 साल बेमिसाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हो गए हैं। योग मानव जीवन में अहम योगदान रखता है, हम सभी इस बात से भलीभांति परिचित हो गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना। और वाकई में अगर आप पौराणिक चीजों को भी पढ़ेंगे, अगर आप इतिहास को भी टटोल कर देखेंगे, तो आप इस चीज की जो उपयोगिता है उससे भलीभांति परिचित हो पाएंगे कि योग जिंदगी में कितना ज्यादा जरूरी है। आधे घंटे रोजाना अपने लिए हर कोई दे सकता है और हर किसी को देने चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि फिटनेस इज फर्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी संकल्पना को साकार आज पूरा विश्व कर रहा है इंटरनेशनल योग दिवस के 9वें संस्करण के दौरान। मानव जीवन में तो है योगदान, योग रखता ही है, लेकिन खासतौर पर योग करके ना सिर्फ शरीर को फिट रखा जा सकता है, बल्कि खुद को काम और शांत भी रखा जा सकता है। जिंदगी की भागदौड़ के बीच में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। लोग अब काफी हद तक कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस ना हो, लेकिन काम, घर और तमाम भागदौड़ के बीच में कई बार जिंदगी हार जाती है। लेकिन योग मेडिटेशन एक ऐसी विधा जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी को स्टेबल कर सकते हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और हर एक पैमाने पर। योग की बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में कई योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तस्वीरें बारी बारी से सभी कार्यक्रमों की फर्स्ट इंडिया के जरिए आप देख भी पाएंगे। देखिए योग दिवस है, योग एक ऐसा दिन जो कि उस प्राचीन प्रथा को समर्पित है जिससे दुनिया भर के लाखों लोगों के बीच में सद्भाव लाया, दुनिया भर के लोगों को जोड़कर रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया कि योग सभी को करना चाहिए और फिर हर साल एक नई थीम के साथ लोगों के उत्साह की हर तस्वीर आप देख रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, वहीं पर आज कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लेकिन अमेरिका भारत के इस दिन के लिए ये भी खास क्योंकि प्रधानमंत्री का पहुंचना हुआ और योग दिवस का आना हुआ। योग दिवस के लिए वैसे भी पूरा विश्व प्रधानमंत्री को इस चीज के लिए धन्यवाद देता है। और हालांकि उन्होंने जब इनिशिएट किया तब ये सोच रहे थे कि क्या विश्व इसको अडॉप्ट करेगा, लेकिन जितनी खूबसूरती के साथ पूरे विश्व ने योग को अडॉप्ट किया है वाकई में भारत के लिए एक बड़ी बात। तो योग दिवस से आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी अलग अलग आपको दिखाएंगे क्योंकि योग दिवस का नवा संस्करण और पीएम मोदी यूएन हेडक्वार्टर में योग कार्यक्रम को लीड करने वाले हैं। इस शब्द पर ज्यादा स्ट्रेस इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि खुद भी फिटनेस फ्रीक है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, नींद भी बहुत ज्यादा नहीं लेते ना रेस्ट करते, बिना थके बिना रुके जब पहुंचते हैं प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को लीड करने वाले हैं। यूएन हेडक्वार्टर में कार्यक्रम रखा गया है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लीड करेंगे और फिर वो जो तस्वीरें आएंगी वो बेहद खास होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में राजधानी दिल्ली में योग के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 सैनिकों के साथ योग दिवस मनाएंगे। आप समझिए कितना खास क्योंकि जिस तरह से नौसेना के बेड़े में रोजाना नई ताकत शामिल की जा रही है, भारत निर्मित कई ऐसी ताकतें हैं जिस वजह से अब दुश्मन देश डरने लगे हैं कि भारत से अगर पंगा लिया तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। किसी भी परिस्थिति में भारत कोशिश यही नहीं करता कि सामने से किसी तरह पर हमला बोला जाए, लेकिन अब भारतीय सेना के बेड़े में वो तमाम सारे युद्धपोत भी शामिल हैं। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब आज नौ सैनिकों के बीच में पहुंचेंगे, एक ऊर्जा उनमें भी जाएगी और उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहीं पर उनके साथ आज इंटरनेशनल योग डे पर मौजूद रहेंगे। योग दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में तरह के कई कार्यक्रम, जयपुर में भी कई कार्यक्रम होंगे, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम होंगे, लेकिन खास बात ये कि आज सभी मिलकर एक स्वर पर सुबह सुबह अपनी जिंदगी को एक नई ऊर्जा देने के लिए साथ मिलकर योग करेंगे।